हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। और स्वागत करता हूँ आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल राजपूताना किंग 007 पे। और एक काफ़ी टाइम बाद आज मैं ब्लॉग बना रहा हूँ अपने इस चैनल के लिए, क्योंकि मैंने एक चैनल दूसरा भी क्रिएट कर लिया और उस पर अराउंड मेरे 4.5 के मतलब सब्सक्राइबर भी हो चुके हैं। नया ब्लॉग चैनल ही बनाया हूँ उस पर, थोड़ा सा अभी इस टाइम पर ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ क्योंकि उसमें एक दो तीन वीडियो मेरा वायरल हो गया, तो उसके चक्कर में उसमें सब्सक्राइबर अच्छा खासा इंक्रीज हो रहा है मेरा, तो उसी पर थोड़ा सा अभी ध्यान दे रहा हूँ। और इस चैनल के लिए भी एक गुड न्यूज है, फाइनली मेरा ये जो चैनल है राजपूताना किंग करके, ये मेरा चैनल मोनेटाइजेशन हो गया है कंप्लीट। और बस रिव्यू के लिए गया था, वो भी मेरे ख्याल से गुड आया है। हाँ गुड ही आया, सॉरी मैम, ख्याल से क्या मतलब, सॉरी कन्फ्यूज हो रहा था, गुड आया क्योंकि उसको क्या मैं क्या समझ रहा था, जो मेरा जो नया ब्लॉग चैनल बनाया हूँ ना उसका, क्योंकि उसका अभी रिव्यू नहीं आया, उसको भी मोनेटाइजेशन कम्प्लीट कर दिया है और उसका रिव्यू नहीं आया अभी। और ये मेरा जो पहले का जो पुराना चैनल है उसका रिव्यू आ चुका है और उसका कोई दिक्कत नहीं है। और बस अभी डिपेंड है अपने क्या बोलते हैं ब्लॉगिंग चैनल के ऊपर, उसका कब तक आता है क्या है, उस पर तो कोई वैसा वीडियो भी नहीं है इस पर। तो फिर भी एक बार टर्मिनेट कर दिया था, कुछ मेटा डेटा करके बोल के कुछ आया था उसके चक्कर में। और काफ़ी टाइम बाद मेरे को खुशी हो रहा है कि फाइनली एक चैनल तो अपना मोनेटाइजेशन हो गया कंप्लीट और दूसरा भी पेंडिंग में, बस उसका मतलब मेल आने के लिए बाकी रह गया। मतलब अपनी तरफ से तो पूरा सारा जो रहता है वो कंप्लीट करके मैं भेज दिया हूँ बस। और इस चैनल का तो फाइनली मोनेटाइज कंप्लीट हो गया, यही गुड न्यूज थी और यही बताने के लिए आज ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ। और मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरा दूसरा चैनल है उसको मैं रिवील करूँगा 10K कंप्लीट होने के बाद, कम से कम 10K, अराउंड 10K होने के बाद उस चैनल का भी नाम बता दूंगा और क्या है, और लिंक भी डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो मिल जाएगा आप लोगों को। बस वेट कर रहा हूँ कि 10K काफ़ी जल्दी हो जाए, क्योंकि मेरा 3 डेज में 5K, अराउंड 5K कंप्लीट हो जाएगा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आज मैं ये ब्लॉग शूट कर रहा हूँ तो अब जस्ट टाइम पे ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा जब तक उसका 5K कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से एक वीडियो जो मेरा चल रहा है, क्योंकि उस पर अंदाज़ा है कि 800K मतलब व्यू, 8 लाख के समथिंग व्यू आ चुका है उस वीडियो पे, एक वीडियो पे 8 लाख के समथिंग ओनली, कितना 48 आवर्स, मतलब 2 दिन का मान के चलो, 2 दिन में 8 लाख के समथिंग। और वो भी चैनल मोनेटाइजेशन के लिए कर दिया है, अप्लाई कर दिया है, बस रिव्यू आने के लिए बाकी है। और इसका भी फाइनली कंप्लीट हो गया है अपना मोनेटाइजेशन, और सोच रहे हैं कि अब ब्लॉग दोनों चैनलों पे अगर बनाने की कोशिश करेंगे, उस पर सोच रहा हूँ कि कंट्रैक्शन लाइन में रहूँ जब भी बनाऊँ उस चैनल पे, और इस जो अभी जो नया चैनल क्रिएट किया है मैंने उसको सोच रहा हूँ कि डेली ब्लॉग के लिए रखूँ। और इस ये क्योंकि इसमें क्या है ना, काफ़ी सारी वीडियो मेरी कंट्रैक्शन लाइन की हैं, इस वजह से अभी इस पर वीडियो नहीं डाल रहा हूँ मैं, क्योंकि अभी कंट्रैक्शन लाइन लोग उसको देखते थे उस चैनल को, उस वजह से अभी इस पर मैं पर्सनल लाइफ का क्या ब्लॉग डालूँ, देखेगा भी कि नहीं देखेगा कोई, इस वजह से डाल भी नहीं रहा हूँ मेरा। और ये चैनल तो मेरा सब्सक्राइबर तो मेरा काफ़ी अंदाजा कि 2 महीने पहले ही कंप्लीट हो गया, सब्सक्राइबर 1000 जो बोल रहता है, खाली फर्स्ट टाइम का दिक्कत हो रहा था, तो फाइनली फर्स्ट टाइम भी मेरा आज कम से कम ही तो 20 दिन हो गया, 20 दिन से कंप्लीट हो गया था। और देख रहे हो गाय की चालाकी, देखो सामने खेत में गाय है ना, दिखाता हूँ एक सेकेंड, बैक कैमरे से दिखा रहा हूँ, रुकना, तुमको इस खेत में कहीं गाय नहीं दिख रही होगी, देखो वो सामने हल्की हल्की देख रही है और बैठ बैठ के घास खा रही है, दिख रहा है, बैठी है, बैठ के घास खा रही है, उसका मुंह चल रहा है, साउंड आया, मैंने कि यार कौन है यहाँ पे क्या है, देखो तो सही कितनी चालाक गाय है, घास नहीं है सॉरी बाजरा है, पूरी फसल है ये, तो बैठ के खा रही है, कितनी चतुर है, जिसका भी खेत होगा वो सोच तो रहा होगा भाई कि चलो हमारे खेत में कोई गाय नहीं है, मगर यहाँ पे तो कुछ और ही चल रहा है प्रोग्राम। चलो गाय को तो मैं आपको दिखाई दिया, और आज मैं सेव भी करवा लिया हूँ, सोचा मैंने ब्लॉग शूट कर रहा हूँ इस चैनल पे काफ़ी टाइम बाद, तो अपना सेविंग भी करा लूँ, क्योंकि उस चैनल पे मेरी 3 वीडियो डाला हूँ, 3 वीडियो में इतना ज़्यादा मतलब मेरा सेविंग था, पूरा बड़ा बड़ा कर लिया था, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा, मैं सोच रहा था कि काफ़ी बड़ा करूँ जब क्लीन सेव कराऊँगा, और दिखाऊँगा इसमें एक फ़ोटो डाल दूँगा, देखना कि कितनी खतरनाक मेरे मतलब मेरी सेव हो रखी थी, तो वो फ़ोटो दिखाता हूँ, एक सेकेंड रुकना, मेरा फ़ोन में दिखाता हूँ, दूसरे फ़ोन में देखो कितनी खतरनाक है इतनी डेंजर मेरी सेव हो रखी थी। और ये भी अपना ही फ़ोन है, घर का है, मैं यूज करता हूँ ज़्यादातर, पापा का फ़ोन है तो मेरे पापा ज़्यादा यूज, उनको सुबह शाम ही ज़रूरत पड़ती है और बाकी टाइम तो मैं ही रखता हूँ अपने पास। और चलो ये ब्लॉग में यहीं पे एंड करता हूँ, और ब्लॉग अच्छा लगे हो तो लाइक करना एंड कमेंट करके बताना कैसा लगा ब्लॉग, और
भाई की चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अभी तो 1K पे हिल गए हुए हैं, 1.5 4K 4 या 5K पे हिल गए हुए हैं, 2K 4K 3K। कुछ तो करवाओ यार, कम से कम 1-2-3 हज़ार तो सब्सक्राइबर करवाओ। और सोचेंगे कि कंटिन्यू इस चैनल पे भी वीडियो डालने का सोचेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय।